हेलो व्यूअर्स वेलकम टू जीके क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू राउंडिंग नंबर्स हाउ टू राउंड अप द नंबर्स टुडे वी आर गोइंग टू लर्न सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड आई एम शोइंग यू वन थिंग शोइंगे आई एम शोइंग यू द मैथ्स स्टिक्स ओके मैथ्स स्टिक्स हमारे यहां पर क्या कर रही है सो फॉर मैथ स्टिक्स आई एम आस्किंग की कैन यू काउंट आप इसे देख के बता सकते हो कि इसमें कितनी मैथ स्टिक्स होंगी तो यू विल काउंट और यू में सेन्टी एटी या नाइनटी मैथ स्टिक्स होंगी राइट right? तो so, ये जो आपने अभी क्यों बताया मुझे या आपने क्या किया आपने एस्टिमेट किया एस्टिमेट यानी कि आपने आइडिया लगा के मुझे बताया कि इसके अंदर जो है आपकी कितनी मैथस्टिक्स हो सकती है तो so, इसी को जो हम राउंडिंग और बोलते हैं जिसमें हम नंबर्स का यूज करते हैं लाइक like, सपोज आप किसी बर्थडे पार्टी में जाते हैं और बर्थडे पार्टी में आप जाते हैं और जब वापिस आते हैं तो आपकी मम्मी पूछती है कि भाई कितने बच्चे आए थे उस बर्थडे पार्टी में तो आप कहोगे मम्मी मे बी शायद टेन और ट्वेंटी किड्स थे टेन और ट्वेंटी जो है वहां पे बच्चे थे तो इसको जो है आइडिया से जो है आप बोलते हो इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना किसी चीज का एस्टिमेट लगाना कि वो कितना होगा तो उसके लिए आप वंस के प्लेस पे जो है का यूज मोस्टली करते हैं सो इन अवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस सिचुएशन वेर वी डो नॉट नो द्वांटिटीज हमें जो अपनी जिंदगी में एग्जैक्ट math sticks बताई तो आप इसको अगर एक एक करके काउंट करोगे तो इट विल टेक lots ऑफ टाइम तो आप क्या कर रहे हो इसके अंदर आप इसको जो आइडिया से बता रहे हो आप एस्टिमेट कर रहे हो कि इसके अंदर भाई इतनी से इतने तक जो है देखने पे हमें समझ आ रहा है कि इतनी जो होंगी तो हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं पता होती वी गिव एन आंसर विच हैज बीन राउंडेड ऑफ राउंडेड so, ऑफ में आंसर दे देते हैं वो राउंडेड ऑफ आपका नियरेस्ट टेंस में भी हो सकता है हंड्रेड में भी हो सकता है थाउजेंड में भी हो सकता है अब डिपेंड करता है की आपके सामने जो है कितनी क्वांटिटी जो है वो शो हो रही है तो यहाँ पे हम जो है राउंड ऑफ सीखने जा रहे हैं अभी नियरेस्ट टेंस का वन स्टेंस एज यू नो सो हेयर राइट आई लाइक आई एम राउंडिंग दिस फिफ्टी सिक्स फिफ्टी नाइन फिफ्टी टू फिफ्टी फोर फिफ्टी वन एंड फिफ्टी सेवन टू दियरेस्ट टेंस मैं इसको राउंड ऑफ करना बता रही हूँ आपको बिकॉज हेयर दिस इज द लाइन ऑफ फाइव काउंटिंग में आपके तो फाइव की लाइन फिफ्टी वन की लाइन के आगे और पीछे आपका राउंडिंग ऑफ में जो दो नंबर आएंगे वो क्या आएंगे वन इज फाइव जीरो फिफ्टी एंड द अदर इज सिक्सटी ओके okay, यानी आप वंस नियरेस्ट टेंथ में आप राउंड ऑफ कर रहे हैं तो आपको एक तरफ या तो फिफ्टी मिलेगा राउंड ऑफ में या सिक्सटी मिलेगा तो इसके अंदर जो है आप फिफ्टी वन से लेके सिक्सटी तक के बीच में आपका सेंटर जो आएगा दैट इज फिफ्टी फाइव सो फिफ्टी फाइव से पहले के जितने भी नंबर्स हैं उन सबका राउंड ऑफ आपका फिफ्टी होगा लाइक like, और फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव से लेके फिफ्टी नाइन तक आपके जितने भी नंबर्स हैं उनका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा सिक्सटी हो जाएगा सो हेयर लाइक आई एम आस्किंग फिफ्टी सिक्स तो फिफ्टी सिक्स के सबसे पहले हमें ये सोचना की फिफ्टी सिक्स के आगे लाइन के आगे जो है और पीछे राउंड ऑफ में सर्कल्स जीरो नंबर कौन से आएंगे तो फिफ्टी सिक्स तो आपका फिफ्टी फाइव के बाद आ रहा है तो इसका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा सिक्सटी सो हेयर यू विल राइट सिक्सटी नाउ सेम मैनर फिफ्टी नाइन फिफ्टी नाइन आपका कहाँ आ रहा है it is, it तो ये के बाद ही आ रहा है तो इसका राउंड ऑफ भी आपका क्या हो जाएगा सिक्सटी सेम मैनर फिफ्टी टू फिफ्टी टू आपका किससे पहले आ रहा है फिफ्टी फोर से पहले आ रहा है तो फिफ्टी टू आपका जो ये किसके ज्यादा पास है ये फिफ्टी के पास है तो इसका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा फिफ्टी सो दिस इज नोन एज नियरेस्ट नंबर नियरेस्ट टेंस हम इसको क्यों बोल रहे हैं क्योंकि ये या तो फिफ्टी के ज्यादा पास होगा या सिक्सटी के तो फिफ्टी फोर से पहले पहले वाले सारे नंबर जो है फिफ्टी के पास है और फिफ्टी फोर के बाद वाले सारे जो नंबर है वो सिक्सटी के पास है आपके now same manner 54 54 का राउंड ऑफ क्या होगा अब ये भी आपका 55 से पहले आ रहा है तो इसका राउंड ऑफ भी आपका क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा सो हियर आई विल राइट 50 now same manner 51 तो 51 आपका किससे पहले आ रहा है अगेन 54 से पहले आ रहा है और इसका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा अगेन 50 नेक्स्ट इज 57 सो so, 57 आपका कहाँ आ रहा है ये आ रहा है आफ्टर 54 तो इसका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा 60 तो ये हमने किया इन नंबर्स का राउंड ऑफ अब देखते हैं दूसरे नंबर्स लाइक यहाँ पे जो है ये सारी जो लाइन है ये जो सारे नंबर है फोर्टी टू फोर्टी सिक्स फोर्टी थ्री फोर्टी सेवन फोर्टी नाइन फोर्टी वन तो ये सारे नंबर्स के आसपास के पहले मुझे ये देखना है कि इसका नियरेस्ट टेंस वाला नंबर होगा क्या तो जब हम फोर्टी की लाइन शुरू करेंगे तो इट विल बी फोर्टी फोर जीरो फोर्टी और एंडिंग इसकी कहा होगी फाइव जीरो फिफ्टी यानी अब जितने भी नंबर्स बीच में आ रहे हैं उनका राउंड ऑफ या तो फोर्टी होने वाला है या फिफ्टी होने वाला है तो यहाँ पे हमने क्या किया फोर्टी वन फोर्टी टू फोर्टी थ्री फोर्टी फोर तो यानी कि फोर्टी फोर से पहले वाले आपके जितने भी नंबर है उनका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा फोर्टी और फोर्टी फोर के बाद वाले जितने भी नंबर है उनका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा फिफ्टी तो लेट इस्टार्ट विथ फोर टू फोर्टी टू सो हेयर इट इज फोर्टी टू फोर्टी टू यहाँ पे आपका आया फोर्टी फोर से पहले और ये किसके नियरेस्ट है ये है आपका फोर्टी के नियरेस्ट तो इसका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा फोर्टी फोर जीरो फोर्टी नाओ नेक्स्ट नंबर इज फोर्टी सिक्स तो फोर्टी सिक्स आपका किसके बाद है ये आपका है फोर्टी फाइव के बाद तो फोर्टी सिक्स का राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा फिफ्टी फाइव जीरो फिफ्टी नेक्स्ट नंबर अगेन फोर्टी थ्री तो फोर्टी थ्री आपका अगेन फोर्टी फोर से पहले है तो so, इसका राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा फोर जीरो फोर्टी एंड नाउ नेक्स्ट इज फोर्टी सेवन तो फोर्टी सेवन आपका किसके बाद आया ये आपका फोर्टी फाइव के बाद आया तो so, इसका राउंड ऑफ आपका क्या होगा फिफ्टी नेक्स्ट इज फोर्टी नाइन फोर्टी नाइन तो बिल्कुल ही फिफ्टी के पास है इसका राउंड ऑफ भी क्या हो गया आपका फिफ्टी एंड सेम मैनर फोर्टी वन तो फोर्टी वन इसका किसके नियरेस्ट है ये फोर्टी के नियरेस्ट है तो इसका राउंड ऑफ भी क्या हो जाएगा आपका फोर्टी तो चलिए इसी के साथ कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर आपको बड़ा नंबर दिया हो गया पोस्ट मान लीजिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिक्स हंड्रेड एटी फाइव एटी सिक्स की सिक्स हंड्रेड एट्टी सिक्स अब मुझे जो है राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट टेंस तो सबसे पहले क्योंकि मुझे नियरेस्ट टेंस के राउंड ऑफ करना है तो तो आई विल सी ओनली टू एंड टेंस टेंस बाकी का जो नंबर है वो मेरा सेम रहेगा तो की बात हो रही यानी कि मैं 86 की बात कर रही हूँ तो 86 के आसपास जो है काउंटिंग 86 की लाइन में जो है राउंड ऑफ में एक नंबर आएगा मेरा एट और दूसरा क्या आएगा इसकी एंडिंग किससे होगी नाइन तो या तो इसका राउंड ऑफ एटी होने वाला है या इसका राउंड ऑफ नाइन जीरो नाइनटी होने वाला है तो इसका हाफ कहा बोला था मैंने एट्टी फाइव फाइव जो है इनका हाफ होता है तो यानी एट्टी फाइव से अगर ऊपर नंबर है तो उसका राउंड ऑफ अगर एटी फोर एटी थ्री एटी टू एटी वन इसमें से कुछ भी है तो उसका राउंड ऑफ हो जाएगा एटी और अगर एटी फाइव से लेकर उससे नीचे कोई भी नंबर है तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा नाइनटी तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर क्या है इस क्वेश्चन में हमारे पास नंबर है एट्टी सिक्स तो एट्टी सिक्स इज ये दैट कम्स आफ्टर एटी फाइव तो यानी कि 86 का आपका राउंड ऑफ क्या होगा 90 तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था बाकी नंबर आपका एज इट इज रहेगा सिक्स ऐसे ही रहेगा और 86 का राउंड ऑफ हमने क्या कर दिया नाइन जीरो नाइन्टी तो इसका आंसर हो गया सिक्स तो हमें जितना मर्जी बड़ा नंबर दिया हो अगर हम नियरेस्ट टेंस की बात कर रहे हैं तो वन टेंस वी विल सी ओनली दीज टू प्लेसेस नाउ सेम है लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट नंबर लाइक सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सेवन सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी सेवन तो अगेन मुझे क्या करना है नियरेस्ट टेंस में करना है। तो आई विल सी दस टेंस आई विल सी दीज टू प्लेसेस और सिक्स विल रिमेन एज इट इज सो हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट टू तो यहाँ पे आपकी जो काउंटिंग है वो कहां से शुरू होगी टू जीरो ट्वेंटी उसके बाद आपका क्या आ गया ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन एंड थर्टी तो यानी कि यहां पर क्या हुआ आपका हाफ कहा आएगा ट्वेंटी फोर के बाद तो यानी कि 25 के बाद वाले सारे नंबर है उनका राउंड ऑफ होगा आपका 30 एंड 24 से पहले जितने भी नंबर है उनका राउंड ऑफ आपका होगा थ्री जीरो पे आपका नंबर क्या है ट्वेंटी सेवन सो हेयर इट इज ट्वेंटी सेवन तो ट्वेंटी सेवन जो आपका जो है इस साइड पे थर्टी के ज्यादा नियरेस्ट है तो इसका राउंड ऑफ क्या हो गया थर्टी तो so आपको मैंने क्या बोला था बाकी का नंबर एज इट इज और बिकॉज वी आर राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट एंड ट्वेंटी सेवन की जगह इसका राउंड ऑफ क्या आएगा सिक्स हंड्रेड थर्टी सो दिस इज नोन एज राउंड ऑफ करना टू द नियरेस्ट टेंस और इसी को आप एस्टिमेशन भी जो है वो कह सकते हैं एक और नंबर ले लेते हैं जैसे मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले रहे हो वन हंड्रेड एट्टी सेवन अगेन हम राउंड ऑफ कर रहे हैं टू द नियरेस्ट टेंस तो वी विल टेक ओनली टू डिजिट वे एटी सेवन तो यहाँ पे eight, आया टेंस के प्लेस पे यानी हम एट्टी वाली लाइन की बात करे एट जीरो एट्टी देन एटी वन एटी टू एटी थ्री 84, 85, 86, 87, 88, 89 एंड तो यहाँ पे आपका है 84, 84 के बीच में हमने ये लगाई लाइन यानी कि 84 से पहले वाला अगर मेरे पास कोई भी नंबर है तो उसका राउंड ऑफ क्या होगा 80, 80. और अगर 85 से लेकर आगे कोई भी नंबर है मेरे पास उसका राउंड ऑफ क्या होगा 90, 90. तो यहाँ पे मेरे पास नंबर क्या है एट सो दिस इज 87 सेवन तो सेवन का राउंड ऑफ आपका क्या हो जाएगा नाइन जीरो नाइनटी सो आई विल राइट सेम नंबर एटी सेवन की जगह मेरा एस्टिमेशन आ गया यहाँ पे नाइन जीरो नाइनटी सो वन हंड्रेड नाइनटी इज द राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टैंस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना भी जो है पहले से ईजी लगने लगा होगा थैंक यू एवरी वन